नमस्कार, आप देख रहे हैं सीओलाइट 24 व्हाट्सएप बुलेटिन। मैं हूं विमल राय। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर जिला ट्रामा सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मरीजों को फल वितरित किए गए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सीताराम यादव ने जब उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री की जल कल्याणकारी योजना बताना चाहे, उसी समय वहां उपस्थित एक ग्रामीण महिला ने नवरत रूप से संचालित मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के श्रृंखला बताते हुए सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री दीर्घायु हों, शतायु हों और हम गरीबों का इसी तरह भला करते रहें। उनकी आंखों में सुखद योजनाओं को चलते हुए देखकर उन्होंने मुख्यमंत्री को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मौजूद रहे। होने के पहले से अभी तक कौन को दिया चला? गर्भवती होती है तो उनका टीकाकरण करवाते उनका टीका लगवाते और उनको फिर हॉस्पिटल में जांच करवाते। जब उनके पूरा महीना हो जाता है उनको 108 गाड़ी बुलवा कर उनको हॉस्पिटल लेके आते, उनकी डिलीवरी जिला अस्पताल कराते और वो उनका पैसा भी तो देता है। लड्डू मिलते हैं हॉस्पिटल से, उनको पैसा मिलता है 5,000। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी ना उधर से मिलता है 5,000 रुपये, 1400 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है। बच्ची बड़ी होती है तो ये 1,18,000 नहीं कभी नहीं मेरे भैया और आप मामा जी आप लोग हाँ तीरथ के लिए 60 साल वाली महिलाओं को अम्मा जी को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। तीरथ यात्रा करी भाई साहब में ही मिले। सीहोर शहर के तहसील कार्यालय से प्रारंभ हुई नेकी के पेड़ की योजना आज पूरे देश में सराही जा रही है। एसडीएम राजकुमार खत्री के द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना को पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरे प्रदेश में लागू किया गया, वहीं अब यह योजना विदेशों तक पहुंच चुकी है। इस योजना की सफलता को देखने के लिए आगामी 7 मार्च को फ्रांस की एक टीम तहसील कार्यालय पहुंचेगी। इस टीम को यहाँ की कार्यप्रणाली, इसकी उपयोगिता व लाभान्वित लोगों से चर्चा करेगी। इस निरीक्षण को लेकर एसडीएम राजकुमार खत्री, तहसीलदार सीहोर, नगरपालिका सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों ने तैयारियां प्रारंभ कर दी। आज सीहोर इंडस्ट्रियल एरिया में रवि अग्रवाल की फैक्ट्री के पीछे लगे भूसे के ढेर में अचानक आग लग गई। आग के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन इसमें लगभग 50 से अधिक ट्रक भूसा जलकर खाक हो गया है। सीहोर कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जैसे नागिन की धुन पर नागिन डांस शुरू किया, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे भी कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े के साथ नागिन डांस करने लगे। सभी लोगों ने शादियों या किसी खास अवसर पर कई जगह लोगों को नागिन डांस करते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी बड़े अधिकारी को ये डांस करते हुए देखा है? नहीं ना। हो सकता है आपने कल्पना जरूर की होगी, यदि ये अधिकारी नागिन डांस करें तो वह कैसे दिखेंगे। तो चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं एक अधिकारी का नागिन डांस। यूं तो सीहोर में कलेक्टर खुद ही नागिन डांस करते दिखे, जिनका लोगों ने पूरा मजा लिया, बल्कि वीडियो भी बनाए। और तो और, कलेक्टर का ये डांस क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिले में पुलिस और अफसरों की होली डीजे और ढोल पर पुलिस कर्मियों ने जमकर डांस किया और एक दूसरे को अबीर गुलार लगाया। मौका था होली मिलन समारोह का, इसमें अधिकारी से लेकर सिपाही तक ठुमके लगाते हुए नजर आए। वहीं नागिन धुन पर कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने अपने को रोक नहीं पाए और थरकना शुरू कर दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वाकई में ये पल बहुत ही आनंदमय प्रतीत हो रहा था। Oh,
सीहोर से सीहोर लाइट 24 के लिए अनुराग शर्मा की रिपोर्ट। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9300635960। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीओ लाइट 24 व्हाट्सएप बुलेटिन पर। नमस्कार।